बाल सही करने बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हाय हाय एवरीवन, हाय नेहा, हाय शिका, हाय जानवी, हाय एवरीवन। सो माय नेम इज मोहक और मैं हूँ रेड एफएम कानपुर से, आरजे मोहक। 3 to 5 मेरा शो आता है और आमतौर पर जब मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ तो मेरे आसपास स्टूडियो वाला माहौल रहता है, वही वाइब रहती है, माइक होता है, हेडफोन होता है और सारा सेटअप होता है। लेकिन अभी क्योंकि मैं घर पर हूँ तो घर वाली फुल ऑन वाइब मिलने वाली है। आसपास की जो आवाज़ें हैं वो भी आएंगी, हो सकता है नीचे से कोई बताए कि तरोई इतने रुपए किलो। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, उसे इग्नोर करना है आपको और जिस पे फोकस करना है वो ये कि यहाँ पर टेरेंस लुइस सर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना आया है शहदाई, और जिसे टेरेंस सर ने गाया भी है, तो बात करनी तो बनती है। तो टेरेंस सर हमारे साथ यहाँ पर बस जुड़ने वाले हैं। अरे वाह, क्या बात है, रिक्वेस्ट आ गई है। ए हाय, हाय सर, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ बताइए। कैसा लग रहा है सर, अभी इतना अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है गाने को? हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि मैं गा भी सकता हूँ। बस यही कहूंगा कि बचपन में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में सिंग करता था, गाता था, कभी हारता था, कभी जीतता था, और लेकिन थोड़ी तालीम भी पाई थी मैंने, थोड़ी रियाज भी किया था मैंने तब। लेकिन डांस मुझे इतना खींचा चला आया कि मैं उसी में चला गया। और जब भी क्या आपको बात कुछ है, कोई भी चीज मुकम्मल करनी होती तो यू हैव टू काइंड ऑफ रियली बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, तो मैं उस तरफ चला गया, सिंगिंग पर दो इतना जोर नहीं दिया। लेकिन इस लॉकडाउन में मुझे मौका मिला था कि मैं अपने कुछ अरमानों को जो शायद पूरे नहीं हुए हैं उसको थोड़ा मुकम्मल करूँ। तो मैंने ट्रेनिंग फिर से शुरू की हिंदुस्तानी क्लासिकल वेस्टर्न में, और ये गाना मुझे बहुत पसंद आया था बिकॉज राहुल जैन ने इसको सुनाया था मुझे, इज अ कंपोजर, और मुझे इसके जो लिरिक्स थे, जो 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 धुन थी, मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने कहा कि या मैं ये गाना जरूर गाऊंगा, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के बाद। तो क्या पूरी बात है, कोशिश से कोशिश है कि लोगों को पसंद आया मेरा ये नया अवतार। और म्यूजिक वीडियो भी बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये जो गाना है, ये इसका जो मीनिंग भी है, शदाई, इट्स एन उर्दू पर्शियन अरबिक पंजाबी वर्ड, उसका मतलब है कि दीवानगी, मतलब मैं दीवाना हूँ तुम्हारा। बट वी डिडंट वांट टू शो कि वो पागल दीवाना, वी वांट टू शो अ लव वेयर जहाँ पे एक इंसान इससे प्यार करता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी औकात से बाहर है वो लड़की, तो उसको सिर्फ वो फैक्ट कि वो अपने दिल में वो प्यार है उसी से वो खुश है, और वो उसके लिए बहुत सारी चीजें करता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत रेयरली होता है, जनरली इट बिकम्स अ राजा हिंदुस्तानी की, वेयर किसी से प्यार हो गया तो मतलब उसको भी प्यार करना जरूरी है मेरे साथ। सो इट वॉज नॉट ऑन दैट जोन, इट्स वेरी स्वीट लव स्टोरी। क्या बात है सर। मैं आमतौर पर जब भी यहाँ पर लाइव जाता हूँ किसी भी आर्टिस्ट के साथ, उनके गाने के बारे में बात करता हूँ, तो मैं ना अपने हिसाब से गाने का सार बताता हूँ। हाँ वैसे तो आपका जो गाना है वो लगभग 5 साढ़े 5 मिनट का है, बहुत खूबसूरत सा गाना है, हाँ बट मैंने 2 लाइन में इसका सार लिखा है। हाँ वो ऐसा बताइए। है कि टेरेंस का दिल हुआ जेनिफर का शैदाई, हाँ नजरें सामने थी और पीछे देख के गाड़ी चलाई, हाँ जेनिफर की वीडियो ऑडिशन के लिए भिजवाई, ये सब देख के जेनिफर का दिल भी हुआ टेरेंस का शैदाई। सर वीडियो देख के मजा आई। थैंक यू सो मच मोहित। प्यारा सा, हमारी प्यारी सी कोशिश थी कि इसको एकदम प्यार से दिखा, बिकॉज आजकल लोग सिर्फ दर्द वाले गाने निकाल रहे हैं, तो सिर्फ खुशी वाले सिंपल सिंपल प्योर लव, वो भी एक इम्पोर्टेंट है कि लोगों को बताना कि ये भी एक तरीके का प्यार है। हर हर दीवानगी, इससे हमारा हैशटैग भी था, एक दीवानगी ऐसी भी अलग वाली, नॉट द क्रेजी पर्सन बट जस्ट समबडी हु इज हैप्पी फॉर द फैक्ट कि उसके अंदर वो प्यार जगा, बस उतना ही काफी है, और उसने पीछे मुड़ के एक स्माइल दे दिया, बस वो खुश। अच्छा सर, आमतौर पर ऐसा होता है ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, इतनी सारी चीजें उसके अंदर भरी हुई हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है एक्चुअली करना क्या है। तो आपके अंदर ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं आया कभी? कंफ्यूजन नहीं, लेकिन डर था कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है, अपने खुद का एक फियर होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, शर्मिंदगी, क्या अगर मैं अगर बुरा हुआ तो क्या होगा। अब उस मकाम पे जाके लोगों को आसान बन जाता है, लोगों को कोई भी चीज चटकारे मारना, वट एवर इट इज, क्रिटिसिज्म हमारे लिए ज्यादा होती है व्हेन यू आर नोबडी, नोबडी इज वॉचिंग यू, सो इट्स इजियर।
आप जो भी गलती करते हैं किसी को परवाह नहीं है. व्हेन यू बिकम बिल्कुल समबडी एंड व्हेन पीपल नो यू, वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो एडिशनल प्रेशर आ जाता है कि अब अच्छा ही करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो लोग यू नो बहुत ताने मारेंगे. तो इसलिए मैंने जैसे गाना सुना बोला कि नहीं, मुझे एटलीस्ट 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके मैं इसको यू नो अच्छे तरह से कर पाऊंगा. तो हमने बहुत रुका, बहुत पेशेंस के साथ ये गाने को बनाया, बहुत प्यार के साथ बनाया. सर, आपके अंदर गाना पहले गाने वाली वो वाइब है जो अंदर पहले आई, या डांस वाला जो है वो पहले आया, मतलब कौन सा पार्ट पहले आया? गाने के लिए मैं कहूंगा कि पहले हम उसके जो अल्फाज थे वो बहुत खूबसूरत थे जो वंदना जी ने लिखे हैं, और उसको उनसे भी मैंने बातें की कि आपने जब लिखा कैसा था आपके लिए. नहीं, इट वाज द सेम. शी सेड यू नो दिस इज, आई फील दिस इज अ लव दैट इज प्योर, दैट इज इनोसेंट, दैट इज नॉट अबाउट एक्सपेक्टेशंस. सो देन उसको मद्देनजर रखते हुए सर, ओके देन वी नीड टू डू अ स्टोरी एंड वी टू आल्सो सिंग इट दैट वे. तो जब मैंने गाया भी तो मैंने उसी 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 नस को पकड़ के गाया कि वो फीलिंग होनी चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक बार मुड़ के भी देख लो, मेरा नाम भी पहचान लो, कभी याद भी रख देना मेरा नाम, शायद आप मुझे भूल भी जाओ, लेकिन मेरी मेरा नाम सुन के एक मुस्कुराहट आ जाए आपके आपके जवाब पर, तो उतना ही काफी है मेरे लिए. तो दैट इज द सिंप्लिसिटी, दैट इज द प्योरिटी, दैट इज द लेवल ऑफ लव है. यू नो ही सो सैटिस्फाइड, उसमें उसके दिल में वो खुश है कि वो उसके दिल में प्यार जगा, उतना ही काफी है. ये बहुत कम लोगों में ऐसा फील होता है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि प्यार पोजेशन हो जाता है. अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो मेरा ही होना चाहिए. हाँ, तो ये ना, तो वो वाली बात आ जाती है, पोजेसिवनेस. बट ट्रू लव इज नॉट पोजेसिव, इट्स जस्ट फ्री एंड यू नो इट्स नॉट इनसिक्योर. बंदा भी इनसिक्योर नहीं है, वो तो ठीक है जैसा है ठीक है. एंड ऑल्सो बिकॉज वो बदली ड्राइवर है और वो एक टॉप मॉडल है, एक्टर बनना चाहती है, तो वो क्लास हायरार्की भी है कि उसके औकात पे कैसे आओ, जब आऊंगा तब अलग बात है, लेकिन अब मैं हूं नहीं. तो उसके लिए वो खाली वो एंड में जब वो उसको आप देखो, मैं नहीं बताना चाहता कि एंड क्या होता है, आप ऑडियंस को देखना चाहिए और फिर उनको मजा बिल्कुल आएगा. देखना चाहिए। 4 घंटे में लगभग 3.5 लाख लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, ढेर सारे कमेंट्स आए हुए हैं। सर, जैसे ना मैं बड़ा डरा हुआ था लाइव आने से पहले, मतलब जैसे होता है ना मैथ्स के, जब टीचर से मैं कहीं बाहर मिलता था तो मैं सोचता था सवाल ना पूछ ले मुझसे, तो मैं अभी लाइव आने से पहले सोचता था ऐसा ना सर कहते डांस करके देखो। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके का आपका अंदाज है, आपके आपके दिल में भी एक सुर है, एक लय है, एंड आई एम श्योर यू बी अ वेरी ऑर्गेनिक डांसर, मैं है इसको ना? काट के रखने वाला हूँ इस क्लिप को। नहीं, आई एम श्योर, बिकॉज जो इंसान के पास वो रिदम है, वो सेंस ऑफ म्यूजिकलिटी है ना, उसके लिए डांस बहुत इजी है. तो सर, गाने की बात हो रही है, आपका इतना अमेजिंग गाना है, नया रूप देखने को मिला, तो मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर के लिए, आपके फैंस के लिए थोड़ा सा हो जाए जरूर कुछ लाइन। सुर लगा देता हूँ. बिल्कुल भूला जमाना सारा, भूली खुदाई सारी, दिल ये शहदाई तेरा, दिल ये क्या शहदाई तेरा, दिल ये शहदाई तेरा. क्या बात है सर, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मतलब अभी तक मैं जब आपको टीवी पर देखता था डांस करते हुए तो मैं बहुत बहुत अमेजिंग फील करता था, अभी जब आपको गाते हुए सुन रहा हूँ तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, क्या बात है। थैंक यू सो मच, थैंक अच्छा यू. सर, इस वीडियो में आप जो आपका दोस्त आपको काम दे रहा है अपना, क्योंकि वही कहीं जा रहा है बाहर, तो हाँ आप करना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हो, बट आपको करना पड़ रहा है ना, करेक्ट. बट उसके बाद आपकी जिंदगी बन गई वीडियो में। ऐसा कभी होता है ना रियल कभी लाइफ में कभी, ऐसा हुआ है कि आपको काम हाँ कई करना नहीं बार, चाहते बट किया और जिंदगी हाँ बन गई, मतलब ऐसा कुछ? ऐसा ऐसा कई बार होता है कि हम बहुत इरिटेट होता है कुछ करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद कोई ऐसी हसीन लड़की मिल जाती है. जैसे ऐसे कई बार हुआ है. एक 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 बार ही ऐसा हुआ था कि मुझे एक कॉलेज में, मैं बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चों को डांस सिखाता था, इन द सेंस फॉर देयर एनुअल फंक्शंस और कॉम्पिटिशंस में. तो एक ऑफर आया था कि अरे ये कॉलेज में जाओ, यहाँ पे ना ये एक एक, एक इनको इनको एक डांस बिठाना है, उनको जीतना है. तो मैंने पहले बोला कि नहीं यार, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं वॉज वेरी बिजी.
फिर वो बंदे ने फोर्स किया कि जाना प्लीज, मैंने तेरा नाम लिया, मेरे यू नो प्लीज प्लीज गो। तो जब मैं गया वहां पे तो आई हैव टू से कि इट वाज एन ऑल गर्ल्स कॉलेज, इट वाज अ सफायर कॉलेज, और ओ भाई दे वर ऑल सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। मैं उनको देख के मैं तरोताजा हो गया कि हाँ काम करने में मजा आएगा। एंड दे वर सो लविंग एंड दे वर सो अमेजिंग। एंड या आई मीन उस टाइम पे गाना खत्म होने के बाद, सिखाने के बाद, एक लड़की के साथ मेरा डेटिंग भी चल रहा था उसके बाद। सो यू नो समटाइम्स यू डू गेट लकी, समटाइम्स यू डू गेट लकी, ऐसा होता है। बट यू नो दैट वाज व्हेन आई वाज व्हाट, व्हेन आई वाज अराउंड 20। तो यू नो ये बहुत साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज। क्या बात है। अच्छा, इसमें आपने इम्प्रेस करने के लिए जेनिफर को इतना कुछ किया है, तो अपनी रियल लाइफ में भी कभी किया है किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए आपने कुछ? मैं ना बहुत फट्टू हूँ। मैं रिजेक्शन से बहुत डरता हूँ कि यार अगर वो सामने से ना बोले तो क्या। तो मैं अपने आप को ऐसे बनाता हूँ कि सामने वाली आके बोले कि यू नो क्या कर रहे हो शाम को। मैं ऐसा इंसान है और ऐसा हुआ है कई बार। मैं अपने आप को बहुत रोक लेता हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं उनके इर्द गिर्द रहता हूँ, उनको अपने अच्छाई या जो भी अच्छा है, जो भी उनको अच्छा लगता है मैं बता देता हूँ। बट आई डोंट गो एन अप्रोच बिकॉज कभी डर लगता है कि अगर वो ना बोले या थप्पड़ मारे तो। आई जस्ट फील कि अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाली बोले कि यार आप शाम को हाय क्या हाय, कर रहे क्या बात है। मतलब जब टेरेंस लुइस को डर लग रहा है तो हम लोगों का क्या होगा सर? नहीं, ये हम से कि इसे मेरे नॉर्मल पर्सन, अब आज की तारीख में तो आई कैन नेवर गो एंड अप्रोच एनीबॉडी लाइक दैट बिकॉज़ इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई एम वेरी शाय दैट वे। आई कैन नॉट गो एंड जस्ट से एनीथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी शाय। आई मेरे से होगा भी नहीं ऐसा। हाँ अच्छा, एक वीडियो में एक सीन है जहां पर आप शीशे में देख रहे हो अपना पेट बिल्कुल निकल आया है आगे, बट आप इतने फिट हो, वो नकली था ना मतलब? वो राज तो राज ही रहेगा कि आप किस तरीके से हमने वो किया है। बहुत लोगों को मेरा डीएम आ गया कि यार आपने ये सर इतना वेट तो कैसे, दिखते तो नहीं हो चेहरे पे, तो क्या किया है तुमने, कुछ तो किया है। पर हम नहीं बताना चाहते बिकॉज वो यू नो दैट इज अ रियलिटी ना, कि वो पेट बाहर आना। तो थोड़ा बहुत मैंने वेट गेन किया था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। उसके उस खाली उस रोल के लिए मैं एटलीस्ट फॉर 1 मंथ आई वॉज ऑन यू नो चीट डाइट। तो क्योंकि वो रोल डिमांड कर रहा कि मैं ज्यादा फिट ना रहूं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मेरे मेरा डायरेक्टर, आई विल टेल यू वन इंसिडेंट क्या हुआ कि पहले दिन की शूट थी और वो क्रिकेट वाला शॉट था। ओके, वैम प्लेइंग क्रिकेट विद द गली बॉयज। तो मैं आया और मेरे बाल थोड़े कलर थे बिकॉज यू नो इंडियाज बेस्ट डांसर्स के लिए मेरा पूरा लुक चेंज किया गया था हाके वाले ने। सो दे वांटेड यू नो न्यू लुक बिकॉज दे ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग न्यू फ्रॉम मी। तो मेरे बाल थोड़े यू नो ब्राउन कलर के थे और मेरी दाढ़ी भी थोड़ी ब्राउन कलर की थी। तो जब मैं आया सेट पे, आई हैव टू लुक लाइक अ गरीब, नॉट गरीब बट मिडिल क्लास, एकदम थका हुआ मुझे, बिकॉज वी हैव टू शो नो कि वो अपने वो उसका वो क्लास लेवल दिखना चाहिए कि वो उसके औकात से बाहर है। तो जैसे मैं आया, मैंने फिर भी मेकअप बहुत कम किया था बिकॉज आई टोल्ड द गाय वी डोंट नीड ओनली मेकअप। तो हम लोग ने सिर्फ यू नो करेक्शंस किया था फॉर द डार्क स्पॉट्स एंड आई जस्ट वेंट ऑन द सेट, नो बेस नथिंग। मैं गया, मैंने कैमरा के सामने खड़ा रहा एंड माय डायरेक्टर एंड माय डीओपी केम टू मी एंड सेड कट। उसे क्या हुआ? आई सेड सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, हम हाँ चाहते हैं कि आप स्मार्ट ना लगे, तो आपको थोड़ा तेलुराम बनना पड़ेगा, थोड़ा मतलब यू नो मतलब चंपू टाइप्स। तुम इतने मतलब ये जो आपके बाल है, ये कलर है, इसमें कलर नहीं हो सकता एक मिडिल क्लास इंसान। आई सेड भाई ये तो अभी क्या करूं, तो मैं अभी कलर चेंज करना पड़ेगा। आई सेड अभी? आई सेड हाँ। तो फिर उसी टाइम पे शूट रुका गया और मेरे बालों को कलर जो ब्राउन था वो ब्लैक अरे हो बाप गया, रे, फिर मेरे दाढ़ी को भी ब्लैक किया उन्होंने। इट वाज अ फुल ऑन प्रोसेस एंड देन फिर हेयर स्टाइलिंग पे मेरा डायरेक्टर और डीओपी दोनों बैठे हुए कि हाँ हमें ऐसे दिखाना है कि लड़की बहुत खूबसूरत है, आपके औकात से बाहर है और तुम एकदम मतलब एकदम चंपू, जिन वेरी मिडिल क्लास, वेरी बॉय नेक्स्ट डोर वाला लोग। तो मेरे बाल आड़े टेढ़े पूरे टाइम पे है। सो इट इज अ वेरी फनी फनी स्टोरी दैट आई हैव टू टेल यू दैट इट वाज सो फनी फॉर अस आल्सो बिकॉज़ मेरे मेरा जो मेकअप है, मैं कैसे मैं आपके बाल ऐसे करूं वैसे करूं, किस तरीके से आप गंदे लग सकते हो, मतलब आप ना गंदे हारे एकदम जंगली टाइप्स, दैट्स द राइट वर्ड, दैट्स द वर्ड माय डायरेक्टर यूज, जंगली, क्या थोड़ा जंगली चाहिए। सो दे ट्राइड अ लॉट। एक घंटे के बाद मैं वापस आया एंड दे वर लाइक सैटिस्फाइड, हाँ अब तो लग रहा है कि मतलब यू नो तू मतलब डैशिंग नहीं है, तुम यू आर नॉट वेल ग्रूम्ड। बिकॉज जनरली क्या होता है, मेरे मेरा जो लुक है ऑन टीवी ऑल्सो, द
बहुत लोग होते हैं स्टाइलिस्ट मेकअप हेयर, तो वो अब वो एक एक काइंड ऑफ एक प्रेजेंटेशन यू नो होता है एक जज का, तो वो लुक लेके चलते हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर का प्ले को प्ले करना था, तो ये सब चीजें हो रही थी। इवन द वेट, आई एस आई टोल्ड यू, सौरभ ने मुझे पहले ही बोला था कि एज ए डायरेक्टर कि सर मुझे ना आप बहुत फिट लग रहे हो, यू हैव टू लुक थोड़ा चेपू, मतलब ना थोड़ा मत चेपू बट समी समी मतलब पॉन्च, तभी मजा आएगा हाँ लोगों को। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट गेन कर लेता हूँ। तो मैं थोड़ा वेट गेन क्या किया। सो दैट्स द बात है, स्टोरी। या क्या बात है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब लोग अच्छा दिखने के लिए मेहनत करते हैं, आपको खराब दिखने के लिए मेहनत करनी पड़ हाँ, रही मेरे डायरेक्टर थी। वही बोला कि सर पहली बार मैं किसी एक्टर को बोल रहा हूँ कि थोड़ा गंदा लगो, थोड़ा जंगली लगो, थोड़ा मतलब यू नो। तो दैट इज व्हाई इवन द मेरा जो बेस उन लोगों ने लगाया बाद में, उन्होंने फिर मेरे को डार्क बेस लगाया, लाइक 3 शेड डार्कर, फिर डार्क सर्कल्स कराए ताकि लगे कि एकदम मतलब यू नो गर्मी में खेल रहा है, मतलब एकदम वैसा वाला। विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी माई सेल्फ डिफरेंटली। एक ही पहलू में अगर अपने आप को देखते रहोगे और यू जस्ट एडमायर योर सेल्फ, सो समवेयर यू हैव टू ब्रेक दैट कॉन्सेप्ट नो, कि बिल्कुल एवरी टाइम यू हैव टू आल्सो एज अ कैरेक्टर यू हैव टू प्ले दोस रोल्स। सो मुझे तो बहुत पसंद आया कि आई वाज नॉट प्लेइंग माय सेल्फ, आई वाज प्लेइंग अ पर्सन यू नो लाइक सोनू। सोनू वाज द नेम ऑफ द कैरेक्टर। तो आई बिकेम यस सोनू फॉर दोस 3 डेज व्हेन वी वर शूटिंग। आई वाज जस्ट ईटिंग ड्रिंकिंग स्पीकिंग लाइक सोनू ओनली। क्या बात है। नहीं सर, ये आपका नया रूप हमें भी काफी पसंद आया और आपके फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। थैंक यू डेफिनेटली आना भी चाहिए, इतने अमेजिंग लग थैंक रहे यू हो आप थैंक उस पे। अच्छा सर, यू। एक मैसेज उन लोगों के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिनको लगता है ना सामने वाला उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर है, वो अपने आप को बहुत कम आंकते हैं, या सामने वाले को पसंद करते हैं और डरते हैं बोलने से पहले कि यार सामने वाला बहुत ऊपर है, क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों से? मैं यही कहूंगा कि जो हमारा गाने का मुद्दा है कि एक्चुअली प्यार ही काफी है, चाहे वो इंसान आपको प्यार करे या ना, सिर्फ प्यार ही काफी है कि आपको वो फीलिंग, आपके अंदर वो भावना जाग उठी, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों में वो भावना जागती नहीं है, वो ऐसे ही बिना प्यार के जी लेते हैं और कितनी मतलब बोरिंग लाइफ होती है। अगर किसी इंसान को देखकर आप में वो चाह जाग जाती है या उमंग जाग जाती है, इसके अंदर इसका मतलब आप जिंदा हो। क्या बात इट है, इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू यू नो फील लव और अट्रैक्शन फॉर समबडी। अट्रैक्शन तो बहुत जल्दी हो जाता है, कोई खूबसूरत हो तो क्यों नहीं, बट लव जो होता है उसके लिए यू नीड टू रियली अप्रिशिएट कुछ चीजें उन इंसान के बारे में। सो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट। जिनका प्यार उनको वापस नहीं मिल रहा है, आई थिंक यू शुड जस्ट बी हैप्पी विद दैट एंड मे बी यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग एंड मे बी गो मूव फॉरवर्ड एंड फील दिस हैप्पीनेस एंड से ओके यू नो लेट्स मी फाइंड समबडी जो मुझसे उतना ही प्यार कर तो जितना मैं प्यार कर सकता हूँ। सो देन यू कैन एक्सपीरियंस दैट रिलेशनशिप आल्सो। बट टू एक्सपेक्ट कि नहीं, अगर मैं प्यार करता हूँ तो मुझे उसको पोजेस करना है, वो मेरी होगी या मेरा होगा और वो किसी और से प्यार नहीं कर सकती, देन दिस इज डिमांडिंग। इट शुड बी ऑर्गेनिक, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। लव क्या शुड बात, नॉट क्या बी बात, ड्यूटी। लव जिम्मेदारी नहीं हो सकती, लव यू नो ड्यूटी नहीं हो सकती, मजबूरी नहीं हो सकती, ना ही आदत। लव क्या शुड बात, बी फ्री, इट शुड बी फ्रॉम इनसाइड यू। एक अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं एक साथ रहना चाहते हैं, वो अंदर से होना चाहिए, किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। यहाँ मुझे लगता है सर इतनी अमेजिंग बात आपने बोली है ना, मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं ना कॉपी लेकर लिख रहे होंगे ये कि अब ये स्वीट। I'm happy to share this with you. But yeah, I mean, people are very beautiful. हमारे देश में लोग बहुत बहुत ही सुलझे हुए हैं, कुछ शायद भटक जाते हैं, बट आई थिंक इट्स बिकॉज ऑल्सो द मूवीज बहुत इन्फ्लुएंस करती है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ कबीर सिंह। इट्स नॉट गोना वर्क, इट्स नॉट वर्किंग, यू नो आई थिंक यू नीड टू बी सेंसिबल। नहीं अब बट मैं अब ये कहूंगा एक बात कि अब जो कैरेक्टर है सोनू का, अब यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं या जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है वो दिल से सोनू जरूर बनना चाहेंगे। हाँ, आई होप सो बहुत सारे सोनू पैदा हो, बिकॉज आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ यू नो ऑफ लव। एंड आई थिंक ये जो यू नो ये जो खुमार है, ये अगर अंदर जाग जाता है ना, तो एक अलग लेवल की एक लाइफ को जीने में मजा आता है। अदरवाइज लाइफ इज व्हाट, काम करो, आओ खाओ और सो जाओ। बट अगर किसी के लिए वो प्यार जगा होता है ना, तो फिर वो एक अलग आपके चेहरे पे एक अलग निखार आ जाती है। बिल्कुल 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 सो फ्रॉम टाइम टू टाइम आई फील कि अगर प्यार मिले ना मिले, लेकिन प्यार का फीलिंग आना चाहिए अंदर, ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट तो है। ये बात तो मैं अपनी लाइफ में भी उतारूंगा कि प्यार की फीलिंग बनी रहे लाइफ लॉन्ग।
बाकी आपसे बात करके सर बहुत मजा आया मुझे। मुझे भी और थैंक यू फॉर दैट ब्यूटीफुल शायरी जो आपने लिखा, बिकॉज अरे अगर थैंक हमें यू पता सो था मच कि आप सर। इतने अच्छे लिखते हो, देन आई वुड हैव प्रोबेबली आई एम गोना यूज इट, प्लीज सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप कि जो आपने लिखा है बहुत खूबसूरत है, आई लाइक टू पोस्ट इट ऑन माय इंस्टा आल्सो, बिकॉज जिस तरीके से आपने उसको उस कहानी को देखा और समझा है ना, नॉट एवरीबॉडी हैज दैट इंटेलिजेंस टू सी दैट एंड सी द फाइन फाइन पॉइंट्स इन इट, तो आपकी आंखों में भी वो यू नो पाकी नजर है, सो थैंक यू, प्लीज डू सेंड इट टू मी, इट्स रियली थैंक ब्यूटिफुल, यू श्योर सर श्योर। थैंक थैंक यू, यू सो मच थैंक सर यू, थैंक यू सो मच गॉड सर। ब्लेस, यस, ओके सर एंड बाय एवरीबॉडी टेक प्लीज केयर। वॉच आवर सॉन्ग ऑन यूट्यूब, इट्स ऑन डीसी, इट्स यस ऑफिशियल, गाने का नाम है शेदाई, व्हिच मींस आई एम क्रेजी चलेगा फॉर यू, सो या प्लीज गिव अस सम लव एंड ड्रॉप इन योर कमेंट्स या एंड शेयर, क्या बात है। थैंक थैंक यू, यू सर बाय थैंक बाय यू, टेक केयर। थैंक यू मोहक, थैंक यू मोहक, थैंक यू टू ऑल द पीपल हु आर हियर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर. क्या बात है यार, बात करके बड़ा मजा आया। मतलब जितने अमेजिंग सर आर्टिस्ट हैं उससे ही ज्यादा अमेजिंग इंसान भी है, और मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी में यू नो वो चीजें आपने अभी देखी होंगी, जिस तरह से सर बात कर रहे थे, अपनी बात को जिस तरह से रख रहे थे। तो आप जाकर ढेर सारा प्यार दो इस गाने को, शहदाई गाने का नाम है, और यूट्यूब पर जाकर जरूर चेकआउट करो, व्यूज बढ़ाओ, लाइक्स करो, लाइक्स जो है दो, और कमेंट्स करो, शेयर करो। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ पर जुड़ने के लिए। मेरा नाम है मोहक, आई एम फ्रॉम रेड एफएम कानपुर। अगर आप कानपुर से हो तो 3 से 5 बजे सुन सकते हो रेड एफएम पर, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बाय, टेक केयर।